अभी इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? छिपकली बन के आया हूँ यार, टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ वो आजकल ना बैंगलोर में बैठकर मेरी सारी एक्टिविटी अपने फोन पर देखता रहता है। घर का सिर्फ ये 2 मीटर का एरिया है जो कैमरे की पहुंच से बाहर है। वो पहला ऐसा पागल इंसान है ना जिसने अपने बेडरूम में भी कैमरा लगा रखा है। अच्छा वैसे जब वो आता है और तुम्हारे साथ सोता है, मतलब फिजिकल होता है, तब भी कैमरा ऑन रखता है या? जब भी उस इंसान को, उस ठंडे इंसान को कुछ करना होता है ना तो कैमरा बंद कर देता है, वरना तो 24 घंटे कैमरे की रिकॉर्डिंग चलती रहती है उसकी मौजूदगी में भी। वैसे तुम्हारे ऊपर इतना शक क्यों करता है? दुनिया का हर वो मर्द जो अपनी बीवी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता ना, अपनी बीवी पर शक करता है। और ये बात मेरे पति नहीं, दुनिया के हर पति पर लागू होती है। हाँ वैसे जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो तो वो शक तो बढ़ेगा ही। ऐसा नहीं है, बात खूबसूरती और बदसूरती है ही नहीं। दुनिया का हर वो पति जो अपनी पत्नी को फिजिकली खुशी नहीं दे पाता ना, उसकी सुई हमेशा शक पर अटकी रहती है, उसका शक एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। अच्छा वैसे आप तो सेफ जोन से बाहर हैं। हाँ तुम तो काफी बार आ चुके हो ना, तुमने तो इस घर का सारा एक एक मीटर तुम्हें पता है, अब हम सेफ हैं। ये तुम्हारे पति टाइप के लोग है ना, अगर अपनी बीवियों को इतनी सी आजादी दे देना और बोले लो जाओ जियो अपनी जिंदगी, तो ये ना तलाक जैसी चीज की नौबत ही ना हो। ये लोग देंगे अपनी बीवी को आजादी? ये लोग अपनी बीवी को आजादी नहीं दे सकते क्योंकि ये लोग अपनी बीवी को बीवी कम और प्रॉपर्टी ज्यादा समझते। वैसे प्रॉपर्टी में दूसरे का पोजीशन आ सकता है। पक्का मेरे हस्बैंड का कॉल है, तुम दूर जाओ और यहां से हिलना मत। हाय वैभव, हाउ आर यू डार्लिंग? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और तुम बिल्कुल मत घबराना, ठीक है ना? पर हुआ क्या? देखो संध्या, हमारे घर में ना कोई गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और मैंने सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख लिया है और वो ना अभी हमारे घर के अंदर घुस चुका है। तुम बिल्कुल मत घबराना, मैंने पुलिस वाले को कॉल कर दिया है, तो 10 से 15 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। तुम ना अभी ऊपर जाओ और लेफ्ट साइड अलमीरा में मैंने लोडेड रिवॉल्वर रखा है, तुम ना वो रिवॉल्वर निकाल लो। और सुनो, अगर वो कोई बदतमीजी करता है ना उसे शूट कर देना, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में कानून हमें इसकी इजाजत देता है। और तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं अगली फ्लाइट से बस जल्दी वापस आ रहा हूँ, मुझे बस आने में 3 से 4 घंटे हैं। तब तक मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि वो घर के किस कोने में है, और तुम ना रिवॉल्वर अपने हाथ में रखना और बिल्कुल घबराना नहीं। ओके संध्या, टेक केयर एंड बी केयरफुल, मैं 2 से 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तुम अपना पूरा ध्यान रखना। चलो ठीक है। संजना अब मैं जाऊं धीरे धीरे लेट के? धीरे धीरे नहीं, अब तुम एक झटके से जाओगे, वो भी सीधे ऊपर। ये क्या कह रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाले को याद कर लो, तुम्हारा आखिरी समय आ गया। मैं
तुम्हारे पति को सब सच बता दूंगा कि हम दोनों का कब से चक्कर चल रहा है, ठीक है? पास मत आना मेरे, पास मत आना, मैं गोली चला दूंगी। जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है उसके सामने तेरी क्या औकात?